दिल्ली में घट रहा है यमुना का पानी, लेकिन कई इलाकों में अब भी भरा है पानी। यमुना का जलस्तर अब भी खतरनाक स्तर पर बरकरार। राजधानी दिल्ली पर फिर से बढ़ा बाढ़ का खतरा, घटने के बाद फिर से बढ़ रहा है हथिनी कुंड बैराज का जलस्तर। दिल्ली के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए सीएम केजरीवाल का ऐलान, हर बाढ़ पीड़ित को मिलेंगे 10,000 रुपए। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जिन बच्चों की किताबें और ड्रेस नष्ट हुई है उन्हें स्कूल की तरफ से ड्रेस और किताबें दिलाई जाएंगी। 17 और 18 जुलाई को बंद रहेंगे यमुना की सीमा से लगे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के स्कूल, जहां संभव हो वहां चलेंगे ऑनलाइन क्लासेस। कल दिल्ली के सामान्य इलाकों में पहले की तरह खुलेंगे सभी स्कूल। 19 जुलाई से बाढ़ग्रस्त और सामान्य इलाकों में भी खुल जाएंगे सभी स्कूल। दिल्ली आईटीओ में नहीं सुधर रहे हालात, सड़कों पर अब भी दिखा पानी का सैलाब जैसा मंजर, धीमी हुई जल निकासी की रफ्तार। दिल्ली के आईटीओ बैराज के बंद गेट खोलने में जुटी नौसेना, एक गेट खुला गया। दिल्ली में यमुना ब्रिज की तस्वीर आई सामने, उफान पर दिखी यमुना नदी, हर तरफ दिख रहा पानी ही पानी। दिल्ली में आईटीओ के पास हालात जस के तस, तिलक ब्रिज की तरफ जाने वाली सड़क पानी से लबालब, पानी निकालने का काम जारी। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में अभी भारी जल जमाव, कई इलाके पानी में डूबे, जलस्तर कम होने के बाद भी लोगों को राहत नहीं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का जमकर हुआ विरोध, राहत शिविरों का जायजा लेने पहुंचे थे मंत्री। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके से नहीं निकला बाढ़ का पानी, फंसी गाड़ी को धक्का देकर बाहर निकालते दिखे लोग। दिल्ली के यमुना बाजार के कई इलाके पानी में डूबे, लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। दिल्ली के शांति वन के हालात का एलजीवीके सक्सेना ने लिया जायजा, यमुना के पानी की वजह से पिछले 3 दिनों से भरा है पानी। आईटीओ बैराज का मेंटेनेंस करने वाले इंजीनियर की तरफ से फंड की मांग को लेकर लिखा लेटर आया सामने, दिल्ली सरकार पर फंड न दिए जाने का आरोप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राहत शिविरों का लिया जायजा, लोगों की समस्याओं को सुना। हरियाणा के चीफ इंजीनियर के आरोप पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का पलटवार, बोले कि मेंटेनेंस का पैसा दिल्ली सरकार नहीं एनटीपीसी देती थी। दिल्ली के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के बाद अरविंद केजरीवाल को मनोज तिवारी की नसीहत, कहा कि लोगों को भ्रमित करने के बजाय जिम्मेदारी ले मुख्यमंत्री। पानी को लेकर सियासत में उबाल, सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा बहुत मुश्किल से बीजेपी ने माना कि आईटीओ बैराज बीजेपी की हरियाणा सरकार का है। दिल्ली को डुबोने के आरोप पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिना नाम लिए केजरीवाल को दिया जवाब, कहा प्रदेश की सरकार की खराब व्यवस्था की वजह से दिक्कत में आई दिल्ली। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट करके दी सफाई, कहा गलती से दिल्ली थर्मल पावर कंट्रोल बोर्ड को एनटीपीसी बोल दिया। यमुना में पानी बढ़ने के बाद बहुत से परिवारों ने मयूर विहार फ्लाई ओवर के नीचे लिया सहारा, आसरा लिए लोगों में एक बुजुर्ग महिला की मौत। मयूर विहार फ्लाईओवर के नीचे आसरा लिए मृतक महिला के परिजनों से मिले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, कहा दिल्ली सरकार नहीं दे रही ध्यान, परिवार को केजरीवाल ने 50 लाख मुआवजा। दिल्ली में यमुना के पानी का राजघाट इलाके में 3 दिन से कब्जा, अभी भी भरा है कई फीट पानी, किसान घाट भी जल। यमुना का जलस्तर घटने से कुछ इलाकों में कम होना शुरू हुआ पानी, मजनू का टीला से आईएसबीटी का रास्ता खोला गया। हरियाणा के चीफ इंजीनियर संदीप तनेजा का दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप, बोले आम आदमी पार्टी सरकार ने आईटीओ बैराज के मेंटेनेंस के नहीं दिए पैसे। दिल्ली में बाढ़ से बने हालात के बीच उठे मदद के हाथ, पीड़ितों के बीच खाने पीने का सामान बांट रहे हैं निजी संस्थाएं। ग्रेटर नोएडा में यमुना नदी में नहाने के लिए गए 2 दोस्त नदी में डूबे, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने दोनों की तलाश की, अब तक नहीं मिला कोई सुराग। यमुना नदी में उफान से टूटा बागपत का अलीपुर बांध, गाजियाबाद पर मंडराया बाढ़ का खतरा, लोनी इलाके की कई कॉलोनीज में जल। आपदा को देखते हुए हिमाचल पुलिस ने बंद किए वीआईपी के सेरेमोनियल गार्ड, 15 सितंबर तक नहीं मिलेंगे औपचारिक रक्षक। हिमाचल पुलिस का दावा, सिर्फ कुल्लू से 70,000 पर्यटकों को बाहर निकाला गया, जिसमें 29 देशों के विदेशी पर्यटक भी शामिल। हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक निकाले गए 18 लोगों के शव, पुलिस के मुताबिक 22 लोग अब भी लापता। देश के उत्तरी हिस्सों में भारी बारिश के कारण आवाजाही पर असर, तमिलनाडु के सलेम में सामान से लदे 75,000 ट्रक सड़कों पर फंसे। पंजाब के संगरूर में बाढ़ में फंसी गर्भवती महिला को एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बचाया, मूनक शहर के आसपास के सभी गांव बाढ़ की चपेट में। पंजाब के संगरूर में मोनाक इलाके में बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंची सेना, लोगों को बचाने के लिए सेना के जवान ट्रक लेकर वहां पर पहुंचे। हरियाणा के अंबाला में किसानों पर टूटा मुसीबतों का पहाड़, बारिश से फसलों को भारी नुकसान, लगातार 4थी फसल बर्बाद, सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे किसान। भारी बारिश से किसानों की सैकड़ों एकड़ की फसल हुई खराब, घरों में पानी घुसने से घर में पड़े अनाज भी हुए बर्बाद,
खाने पीने पर भी मुसीबत। पंजाब के जालंधर में सेना ने संभाला मोर्चा, बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए झोंकी पूरी ताकत। हरियाणा के रेवाड़ी में लगातार 6 घंटे की बारिश ने शहर को किया बेहाल, चारों तरफ से बाढ़ के हालात, टापू बना शहर। भारी बारिश से लोगों के घरों में 4 फीट तक पानी जमा हुआ, तैरता नजर आया घर का सामान, डीसी को ज्ञापन सौंपने के बाद भी नहीं दिया गया ध्यान। राजस्थान के बारा में बाढ़ ने लिया विकराल रूप, चारों तरफ पानी पानी, पुलिया पर बह रहा है 2 फुट तक पानी। बारा में नदी पार करते समय पानी की तेज धार में बहे 2 लोग, स्थानीय लोगों ने मदद करके बचाया। कुछ घंटों की बारिश से बारा में कई जगहों पर जलभराव, सड़कों और बाजार में भरा पानी, लोगों को हुई काफी दिक्कत। उत्तराखंड के हरिद्वार में बढ़ा गंगा का जलस्तर, खतरे के निशान के करीब पहुंचा पानी। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश से टिहरी और श्रीनगर के डैम में बढ़ा पानी, डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से मैदानी इलाकों में दिखा असर। उत्तराखंड के जोशीमठ में भारत चीन की सीमा पर मलारी के पास टूटा हिमकुंड, बॉर्डर एरिया को जोड़ने वाली वैली ब्रिज पर खतरा बढ़ा। उत्तराखंड के धारचूला में आसमानी आफत जारी, बुलावो कोट धारचूला रोड पर लैंडस्लाइड, 200 मीटर तक सड़क धंसी। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में बारिश के बाद भूस्खलन, सड़क पर मलबा आने से गाड़ी चपेट में आई। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी उफान पर नदियां, पीपलसाना भोजपुर को जाने वाली सड़क पर चढ़ा बाढ़ का पानी। मुरादाबाद के निचले इलाकों में बसे दर्जन भर गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, जाल लगाकर मछली पकड़ते नजर आए लोग। मथुरा के निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, स्टीमर और दूसरी सुविधाओं के जरिए लोगों को निकाला गया बाहर। गंगा के बढ़ते जलस्तर के बावजूद जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग, कानपुर में छोटे मंदिर के ऊपर से गंगा में छलांग लगाते किशोरों का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के मथुरा में मंदिरों में घुसा बारिश का पानी, खतरे के निशान के ऊपर बह रही यमुना नदी। पहाड़ों पर हो रही बारिश के बाद मैदानी इलाकों में बने बाढ़ जैसे हालात, यूपी के प्रयागराज में गंगा के जलस्तर में हो रही है बढ़ोतरी। बाढ़ बारिश के दौरान बढ़े करंट के मामले, यूपी के मेरठ में कावड़ में करंट लगने से हादसे में 6 कावड़ियों ने तोड़ा दम, कल हुए हादसे में 15 शिव भक्तों को लगा था करंट। कावड़ हादसे के बालिक मृतकों को 6-6 लाख और नाबालिगों को 1-1 लाख के मुआवजे का ऐलान, गांव वालों ने 50-50 लाख की आर्थिक सहायता मांगी। मेरठ में कांवड़ियों की मौत के मामले में एक्शन में मुख्यमंत्री योगी, मेरठ प्रशासन से मांगी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के उमरिया में भारी बारिश के कारण जोहिला डैम के 4 गेट खोले गए, डैम की सुरक्षा के चलते खोले गए गेट, इस खबर को सुनते ही लोगों की भीड़ इकट्ठा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जोरदार बारिश, जटाशंकर मंदिर परिसर में भरा पानी, झरने जैसा हुआ नजारा। मध्य प्रदेश के बैतूल में जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं बच्चे, उफनती नदी को पार करने का वीडियो आया सामने। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भारी बारिश, रुश्मी नाले में बढ़ा बाढ़ का पानी और सहमे लोग। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसा, लोगों को बचाने के लिए मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम, 106 लोगों को बचाया। उधम सिंह नगर में बच्चों को बचाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, एसएसपी के काम की लोग कर रहे हैं काफी तारीफ, भारी बारिश को देखते हुए लोगों से अलर्ट रहने की अपील। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पानी के बहाव के बीच फंसे 2 लोग, सुरक्षा बलों ने दोनों युवकों को बचा लिया। बिलासपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लिया जायजा, पीड़ितों से मिलकर हर संभव मदद देने का किया भरोसा। खराब मौसम के कारण फिर से रोकी गई अमरनाथ की यात्रा, पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर अस्थायी रूप से यात्रा निलंबित, एहतियातन लिया गया फैसला। मुंबई के मलाड में मावे बीच पर 5 लड़के समंदर में डूबे, 2 लड़कों को बचा लिया गया, 3 की तलाश जारी। मुंबई में हो सकते हैं मुसीबतों की बारिश, कल से अगले 4 दिनों तक येलो अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने जताई संभावना। बिहार के पूर्णिया में बाढ़ की दस्तक, तटीय इलाकों में लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी, सड़क की कटान शुरू, लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का लगाया आरोप। भारी बारिश से टमाटर की कीमतें आसमान पर, लखनऊ में मोबाइल वैन में मिल रहा 90 रुपए किलो टमाटर, लखनऊ महापौर की अध्यक्षता में शुरू किया गया अभियान। टमाटर के टेंशन से राहत देने के लिए सहकारी संस्था नाफेड की पहल, बिहार के आरा में लोगों को मिल रहा 80 रुपए प्रति किलो टमाटर। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे।
इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।